इसकी आवाज आप भी कुछ नहीं बोल सकते नहीं इसकी आप पहचान कर रहे हैं हम सीबीएसई रिसेप्शन पे मैम बैठनी है मंजू राठी, उनका फोन आया 12:50 पे, तो सर को आपसे बात करनी है, आप कल आ जाना। तो सर मेरी तबीयत खराब थी और मेरा बच्चा मुझसे कहता था इस चीज को कि अम्मी मुझे क्लास में बच्चे टॉर्चर करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मारते भी रहते हैं। मैं सर से कहता हूँ सर मेरी नहीं सुनते, सर डांट देते हैं मुझे उल्टा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं है, सर को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना रहता है स्टूडेंट के प्रति, अगर वो इतनी नॉर्मलता से बात करेंगे तो बच्चे भी शायद बिगड़े। इसको लेकर हमने सर से कोई कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन वो हर दिन यही कहता रहता था। तो फिर उस दिन हमें लगा कि जब सर ने खुद बुलाया है हमें तो मुझे जाना चाहिए। तो सर मैंने कल का इंतजार ना करके मैं उसी दिन चली गई 12 बजे, जैसे फोन आया तो 12:57 पे मैं कॉलेज पहुंच गई थी सर उस दिन। तो वहां जाके देखा तो ना वहां पे प्रिंसिपल सर थे, ना रिसेप्शन पर था कोई, डायरेक्टर मैम है भावना सैनी जो स्कूल की मैनेजर है सर, तो वो थी। तो उन्होंने भी हमसे कोई बात नहीं करी, जब तक हमें पता भी नहीं था कि बच्चा हमारा बंदी है। जब छुट्टी का टाइम हुआ 10 मिनट पहले मेरा बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा अभी क्लास अटेंड करो, क्यों आए इतनी जल्दी तुम, अभी तो क्लास चल रही है तुम्हारी, 10 मिनट है, तुम्हारा इनकम्प्लीट रह जाएगा वर्क, उसे कम्प्लीट करो जाके ऊपर पहुंचो। तो वो डर गया था, बहुत होपलेस था हो रहा था, उसका रेडनेस थी चेहरे पे काफी, बात नहीं कर रहा था ढंग से। तो 10 मिनट पहले तो आया था, फिर 10 मिनट बाद छुट्टी होने लगी तो मैं बाहर गार्डन में बैठ गई थी स्कूल में। जब वहां बैठी मैं तो बच्चे ने, फिर मैंने बहुत ज्यादा प्यार से उससे पूछा तो उसने मुझे बताया, मम्मी मुझे प्रिंसिपल सर ने असेंबली के बाद क्लास में नहीं बिठाया और ना मेरा बैग क्लास में रखने दिया, मुझे नीचे ले आए और मेरी वीडियो बनाई है कि तुम ये बताओ, बच्चों रेहान खान से कहा है कि तुम ये बताओ कि तुम हमारे स्कूल को बम से उड़ाना चाहते हो। सर मेरे बच्चे से ये वीडियो उन्होंने बनाई है, ये वीडियो सर के पास है, वहाँ पे म्यूजिक वाले कोई सर हैं सर, मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन उन सर ने वीडियो बनाई है और प्रिंसिपल सर ने उनसे ये सारी बातें उनसे करी है मेरे बच्चे से। और सर ये जो बात नॉनवेज की आ रही है ना सर, सेकंड क्लास में था मेरा बच्चा, तो अब मुझे मंथ तो सर ठीक से याद नहीं है, इतना याद है बच्चा मेरा सेकंड क्लास में था जी जी, तो उसमें बच्चा बिरयानी की जिद कर रहा था, तो मैंने उसे वेज बिरयानी बनाकर दी थी, सोयाबीन की बिरयानी बनाकर दी थी, उसमें सर आलू भी डाले थे मैंने। उस चीज को लेकर इन्होंने सर ने मुझसे डिस्कस करा था, मतलब इन्हें खुद को भी जांच नहीं करा था, अगर ये जैसे नॉन वेज का आरोप लगा रहे हैं बच्चे के ऊपर तो हमें कोई भी स्कूल में काफी सीसीटीवी कैमरेज हैं उनकी फोटोज कोई दिखा दे हमें, ये बच्चा जो भी ईटिंग कर रहा है नॉन वेज की वो हमें दिखा दीजिए,
ये तो सरासर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ चैनलों पे चलाई जा रही है कि नॉनवेज के कारण बच्चे का नाम कटा, ये बिल्कुल गलत है।